हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सरिता और आज मैं लेके आई हूँ लेडीज़ की हाइजीन से जुड़ा एक टॉपिक। क्योंकि जब बात आती है लेडीज़ के हाइजीन की तो लेडीज़ इस पर खासा ध्यान रखती है। तो आज मैं बताऊँगी आपको पेंटिलाइनस के बारे में। पेंटिलाइनस होते क्या हैं, हम इसे कब यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करते हैं तो क्या हम इसे डेली यूज़ कर सकते हैं, तो ये सब बातें आज मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। पीरियड टाइम में हम लोग कई चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जैसे टैम्पोन, मेंस्ट्रुअल कप या फिर सैनिटरी पैड्स, जो मोस्टली गर्ल्स यूज़ करती है। इसमें से ये आपकी चॉइस है कि आप क्या यूज़ करना चाहती हैं। तो ये होता है पीरियड टाइम के लिए, जो हम अपने सेफ्टी पर्पज़ से हम यूज़ करते हैं। आती है पेंटिलाइनस की बारी, तो मैं आपको बताऊँगी पेंटिलाइनस हम वजाइनल डिस्चार्ज के लिए यूज़ करते हैं। ये अक्सर सभी लड़कियों को होता है, ये नॉर्मल है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि ये आपको ही होता है, ये सब लड़कियों को, लेडीज़ को, वुमेंस को, सबको होता है। तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए, वाइड डिस्चार्ज के सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम लोग पेंटिलाइनस का यूज़ करते हैं। और मैं आपको बता दूँ, जिस तरह से आप पीरियड टाइम में अपने सैनिटरी पैड्स को या फिर जो भी आप ऑप्शन यूज़ करते हैं उसको टाइम टू टाइम चेंज करते हैं, तो आपको आपके पेंटिलाइनस भी 4 से 6 घंटे के अंदर चेंज करने चाहिए। तो अब मैं बताऊंगी आपको कि पेंटिलाइनस है क्या। क्या है पेंटिलाइनस? पेंटिलाइनस आपके बिल्कुल सैनिटरी पैड्स की तरह होते हैं। सैनिटरी पैड्स कुछ लंबा और मोटा होता है, जबकि आपके पेंटिलाइनस छोटे और पतले होते हैं। जब आप इसको पहनते हैं, वेयर करते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि आपने पहना है और नहीं पहना, बहुत कंफर्टेबल होता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के होते हैं पेंटिलाइनस। इसमें सैनिटरी पैड की तरह बैक साइड, इसमें भी सेफ्टी पर्पज़ के लिए आपका स्टिकी एडहेसिव्स दिए होते हैं, जो आपको अनकम्फर्टेबल गैदर से बचाता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से है, इस तरह से पैकिंग में आता है। अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये इस तरह से काफ़ी छोटा होता है, मैंने एक ओपन किया है इस तरह से, देखिए इस तरह से, क्योंकि वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है एक लिमिटेड एरिया में होता है, वो आपका फ्लो की तरह बहता नहीं है, तो उस पर्पज़ से ये छोटा भी होता है और थिन भी होता है। मैं आपको पिक्चर भी डाल दूँगी, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। टॉपिक नंबर सेकेंड, हम कब यूज़ करें पेंटिलाइनस? जब आपको नॉर्मल ड्रेस से ज़्यादा डिस्चार्ज हो तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, तो ये आप पर भी डिपेंड करता है कि आपको इसकी ज़रूरत कब है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट, आप आपके उन दिनों के एंड ऑफ डेज जब आपको सिर्फ स्पॉटिंग होती है तो आप इसका यूज़ तभी भी कर सकते हैं। क्या आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं? मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि अगर आप इसको डेली यूज़ करते हैं तो आपको सफोकेशन हो सकती है, आपकी बॉडी ब्रीद नहीं होगी और आपको स्वेटिंग ज़्यादा होगी, जिससे ये आगे चलकर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रूप भी ले सकती है, आपको इचिंग हो सकती है, कोई भी ऐसी समस्या हो सकती है अगर आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो इसका यूज़ करें, नहीं तो इसका यूज़। लेडीज़ पर्सनल हाइजीन को लेकर बहुत ज़्यादा एफर्ट करती हैं, इसीलिए मैंने आपको ये सेफ्टी पर्पज़ से आपको बताया कि आप किस लिए इसको पेंटिलाइनस को यूज़ कर सकते हैं, कब यूज़ कर सकते हैं और आप क्या डेली यूज़ कर सकते हैं इसको, इसीलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि गर्ल्स बहुत ज़्यादा हाइजीनिक होती हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।